माता दी। कोरोना बीमारी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अब तक करीब 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 79,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो मानव जाति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। मोदी सरकार द्वारा 21 दिनों का लॉकआउट समस्त भारतीयों के लिए एक अग्नि परीक्षा है। लॉकडाउन हटेगा या बढ़ेगा, यह आज हर भारतीयों के लिए सबसे बड़ी चिंता है। इसका हटना या बढ़ना हम पर निर्भर है, जो इस घटना से हमको समझना होगा। मास्टर दीनानाथ जो एक सरकारी अध्यापक हैं और भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, वो रोज प्रतिदिन इस विद्यालय जाते समय शिवलिंग पर एक गिलास दूध रोज चढ़ाते थे। एक दिन उनके विद्यालय की देर हो रही थी तो उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे भोले को बुलाया और कहा, हे भोले, भगवान को दूध पिला देना। भोला दूध का गिलास लेकर शिवलिंग के पास पहुंचता है, भगवान से बोलता है, हे भगवान जी, दूध पी लीजिए। लेकिन भगवान जी कहाँ दूध पीने वाले थे। भोला ये समझता था कि जैसे हम लोग दूध पीते हैं वैसे भगवान भी पियेंगे, और भोला ये सोच रहा था कि अगर भगवान ने दूध नहीं पिया तो पापा आके हमको बहुत मारेंगे। अतः भोले ने भगवान से लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन भगवान कहाँ दूध पीने वाले। भोला रोने लगा। अंत में भगवान को आना पड़ा और भोले के हाथ से गिलास लेकर दूध पीना पड़ा। इसके बाद भगवान शंकर चले गए। इसके बाद जब मास्टर साहब लौट कर घर पर आते हैं तो भोला से पूछते हैं, भोला तुमने भगवान को दूध पिला दिया। भोला कहता, हाँ पापा, हमने भगवान को दूध पिला दिया। मास्टर साहब शिवलिंग के पास जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं किसी भी प्रकार का वहां पर दूध नहीं पड़ा होता है। वह भोले को डांटने लगते हैं। भोला कहता, नहीं पापा, हमने दूध पिला दिया था। इसके बाद वो भोले से बोलते हैं कि बताओ भगवान किस तरीके के थे। तब भोला बोलता है कि भगवान के हाथ में एक त्रिशूल था और उनके गले में सर्पों की माला थी। यह सुनकर भोला के पिताजी काफी रोने लगते हैं और वो भोले के पैर के ऊपर गिर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे, मैं 21 साल से दूध चढ़ा रहा हूँ और आज दर्शन नहीं दिया, और तुमने 21 मिनट में ही भगवान के दर्शन प्राप्त किए। तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। इस प्रकार इस घटना से हमें यह मिलना चाहिए कि लॉकडाउन का अनुपालन करके भोला की तरह हम कोरोना और लॉकडाउन को खत्म कर सकते हैं, या फिर मास्टर दीनानाथ की तरह लापरवाही खानापूर्ति करके कोरोना व लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं। फैसला हम प्रत्येक में से भारतीयों का है कि वह कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं जिससे लॉकडाउन अतिशीघ्र खत्म हो जाए। लेकिन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक अच्छी खबर यह है कि मोदी जी, योगी जी और समस्त भारतीयों की कोरोना जंग का सकारात्मक परिणाम 10 अप्रैल के बाद आना प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 25 अप्रैल तक कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या ना के बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक जारी रह सकता है और 27 अप्रैल से चरणबद्ध ढंग से खोल देना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। पहला, कोरोना बीमारी का सबसे अच्छा उपचार, हाथों को साबुन से धोए बारंबार, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 मीटर की दूरी जिंदगी के लिए जरूरी। और तीसरा, अभिवादन में ना हो हाथों का मेल, अभिवादन में हो ना हाथों का मेल, कोरोना वायरस हो जाएगा निश्चित फेल। अंत में सब देशवासियों को संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए कोरोना रूपी राक्षस का अंत करना चाहिए। इसके लिए हमें लॉकडाउन का अनुपालन करना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग घर में रहकर और अपने प्रत्येक परिवार के सदस्य को भी इसके लिए जागरूक करके पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के इस चलाए हुए कार्यक्रम को सुचारू रूप से करते हुए आगे बढ़ाते हुए उनका सहयोग करना है। अंत में मेरा यही कहना है, न संघर्ष न तकलीफ,
क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े कोरोना भी मर जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, जय भारत।